Very good morning, dear students, and today we are going to discuss the theory of demand. But before starting the theory of demand, we should see the syllabus of the year 2020-22 and 23. तो ये हमारा ये सिलेबस है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है. ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. तो डिमांड में हमें क्या पढ़ना है? मार्केट डिमांड, डिटरमिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप्स, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. तो ये हमारा सिलेबस है और इसी सिलेबस के आधार पर हमको इस लेसन को आगे बढ़ाना है. So now let us start this topic, this very interesting topic, theory of demand. So theory of demand. So हम start करने जाते हैं इस lesson को. Demand is one of the two major market forces. Market forces मतलब market में जो इकोनॉमिक फोर्सेस काम करते हैं, इकोनॉमिक जो टूल्स काम करता है हमारा, वो हमारा मार्केट फोर्सेस है. थोड़ा सा छोटा करना इसको. ओके, सो मार्केट फोर्सेस विच फैसिलिटेट ऑपरेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म टू सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. हम इससे पहले देख चुके हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस इन एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस. इसमें दो चीजें हैं, एक तो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. ओके, एल एंड सी. फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब जो प्रोड्यूस है उस किसके लिए किया जाए, रिच के लिए, पुअर के लिए किया जाए, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किया जाए. तो इसके बारे में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हमारा ये अध्ययन जो हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था, डिपेंड्स ऑन प्राइस मैकेनिज्म. ये जो जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं उनको हम प्राइस मैकेनिज्म के माध्यम से ही सॉल्व करते हैं. और प्राइस मैकेनिज्म में एक जो टूल है वो ये हमारा डिमांड है, ये सप्लाई. इसको हम आगे पढ़ेंगे कि प्राइस का डिटरमिनेशन कैसे होता है, लेकिन चूंकि यहाँ रेफरेंस आया है डिमांड का तो मैं दिखा दूँ कि डिमांड का कर्व ये है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. इसको निगेटिवली स्लोप्ड कहते हैं और ये सप्लाई की कर्व है और प्राइस का डिटरमिनेशन यहाँ होता है. तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम डिमांड और सप्लाई के माध्यम से सेंट्रल प्रॉब्लम का डिटरमिनेशन करते हैं, जो कि डिमांड एक उसका टूल है. तो ये मार्केट फोर्सेस, ये हमारा क्या है, मार्केट फोर्सेस. ये मार्केट फोर्सेस क्या है, सप्लाई एंड डिमांड आर द मार्केट फोर्सेस. डिमांड इज वन ऑफ द टू मेजर मार्केट फोर्सेस विच फैसिलिटेट ऑपरेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. अब ये यहां पर प्राइस है, ये क्वांटिटी, डिमांडेड एंड सप्लाई. क्वांटिटी, डिमांडेड एंड सप्लाई, ये हमारा क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस है. तो प्राइस का डिटरमिनेशन कहाँ हो रहा है, मार्केट फोर्सेस. कौन से मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई. सो डिमांड ऑफ वन ऑफ द टू मेजर मार्केट फोर्सेस विच फैसिलिटेट ऑपरेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म टू सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, डिपेंड्स ऑन प्राइस मैकेनिज्म. अब ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, डिपेंड किसके ऊपर करता है, प्राइस मैकेनिज्म. मतलब ये डिमांड और सप्लाई के माध्यम से ही हम प्राइस का डिटरमिनेशन करते हैं और उसमें डिमांड एक टूल है. ओके, इन दिस चैप्टर विल स्टडी डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट लाइक प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्युनिटी एंड इनकम ऑफ बायर. ये हमको डिमांड को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, जिसकी चर्चा डिटेल में आगे करेंगे. So now concepts of demand. The three terms desire, want and demand. ये तीन टर्म है, क्या क्या है, desire, want and demand, जो हमेशा confuse हमें करते हैं. Common parlance में, सामान्य भाषा में लगता है desire, want और demand एक ही word के substitutes हैं, but ऐसा नहीं है. The three terms desire, want and demand are interchangeably used to mean the सेम थिंग, बट टेक्निकली दीज आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर. अब क्या डिफरेंस है इसमें, डिजायर जस्ट ए विशफुल थिंग, केवल एक विशफुल थिंग जो है वो हमारे डिजायर की कैटेगरी में आता है.
इसमें क्या होता है, एज ए पर्सन डज नॉट हैव मनी टू बाई अ कमोडिटी, और जब व्यक्ति के पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है कमोडिटी को, वस्तुओं को खरीदने के लिए, सेवाओं को खरीदने के लिए, तो वो उसकी केवल थिंकिंग हो जाती है। जैसे अ बेगर डिजायर्स टू फ्लाई इन एरोप्लेन, बेगर के पास क्षमता ही नहीं है, डज नॉट हैव मनी टू बाई अ कमोडिटी। लेकिन अगर हम कहें अंबानी वॉन्ट्स टू फ्लाई इन एयर, तो अब दोनों शब्दों के बीच के डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे, हम आगे और चर्चा करते हैं। वांट, वांट में क्या होता है, अ डिजायर बिकम्स अ वांट इफ इट इज सपोर्टेड बाय एबिलिटी टू पे, दो चीजें हैं मैंने अंडरलाइन किया हुआ, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। एबिलिटी होनी चाहिए और विलिंगनेस, दोनों चीजें होंगी साथ साथ, तो वो वांट की कैटेगरी में आएगा। डिजायर की कैटेगरी में क्या है, डज नॉट हैव मनी टू बाय अ कमोडिटी, वो उसके पास मनी ही नहीं है, देन डिजायर। अगर मान लीजिए एबिलिटी टू, एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है, तब वो वांट बनता है। नाउ थर्ड, डिमांड, वांट बिकम्स डिमांड व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज द कमोडिटी इन अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्राइस, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, विलिंगनेस, कुल मिला के अगर कहा जाए तो डिमांड होने के लिए विलिंगनेस चाहिए, एबिलिटी चाहिए, एबिलिटी टू पे, प्राइस होना चाहिए, निश्चित प्राइस और पर्टिकुलर प्राइस जिसकी यहाँ चर्चा हुई, और पीरियड ऑफ टाइम जिसकी यहाँ चर्चा हुई, तो ये चार चीज़ें होनी चाहिए डिमांड होने के लिए। डिजायर क्या है, विशफुल थिंकिंग, वांट में क्या है, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड होगा तो वो वांट बन जाएगा, डिमांड में क्या, ये चारों कंपोनेंट होंगे तो वो डिमांड कहलाएगा। नाउ डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी, डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी क्या, डिमांड क्या, द डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द गुड। डिमांड, द डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द गुड कंज्यूमर और कंज्यूमर्स, जब मार्केट डिमांड होगी तो वहाँ कंज्यूमर्स वर्ड यूज करेंगे। द डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ द गुड्स अ कंज्यूमर, मतलब इंडिविजुअल डिमांड केस में, और कंज्यूमर्स इन अ मार्केट डिमांड केस, इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक बार फिर रिपीट करेंगे विदाउट रीडिंग द ब्रैकेट्स, द डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ द गुड अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नाउ विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस, पीरियड ऑफ टाइम, ऑल दिस थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इज इंक्लूडेड इन दैट। देयर आर फोर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड। पहला क्या है, हम इसको दूसरे ऑर्डर में पढ़ते हैं, विलिंगनेस टू बाय, ओके, विलिंगनेस टू बाय, क्वांटिटी ऑफ गुड होना चाहिए, प्राइस ऑफ द गुड होना चाहिए एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये चारों चीजें होनी चाहिए तब वो हमारा डिमांड की कैटेगरी में आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी स्टेटमेंट ऑफ डिमांड। अब प्रोफेसर बेनहम, वे बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कैसे डिफाइन किया देखते हैं। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। ठीक है, अब इस डिफिनेशन में ये कंपोनेंट शामिल हो जाते हैं, ओके। सो नाउ लेट अस मूव अबाउट द काइंड्स ऑफ डिमांड। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट मे बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के डिमांड हो सकते हैं। पहला है प्राइस डिमांड, दूसरा है इनकम डिमांड और तीसरा है क्रॉस डिमांड। तीन तरह, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट में भी, मतलब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं उसको अफेक्ट, जो फैक्टर करते हैं उसके बेस पर हमने तीन तरह के डिमांड की बात की, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड। इन आवर सिलेबस ओनली प्राइस डिमांड इज देयर, ओके, हमारे सिलेबस में केवल प्राइस डिमांड दिया हुआ है, बाकी डिमांड नहीं, मिसिंग आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत पहले सिलेबस में हुआ करता था बट अब सिलेबस को बहुत ही आसान बना दिया गया है। प्राइस डिमांड देखते हैं क्या, इट रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड, जो विभिन्न प्रकार की जो क्वांटिटी, जो विभिन्न क्वांटिटी जो डिमांड की आती है, अलग अलग प्रकार की नहीं, एक ही क्वांटिटी, तो एक ही वस्तु। इट रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज,
डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल्स, अलग अलग प्राइस के ऊपर जो वस्तु की जो अलग अलग मात्राएं डिमांड की जाती हैं, विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाई, जो वो खरीदना चाहता है. द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड. अगर वो इंडिविजुअल कंज्यूमर है तो उसकी डिमांड क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड. एंड टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टूगेदर इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड. और सारे कंज्यूमर्स की जो डिमांड को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड. अगर मान लो करण की डिमांड है तो वो इंडिविजुअल डिमांड, लेकिन वो करण है, साफिया है, रुमाना है, फजल है, वेद है, शशांक है, पवन है, ऋषि हैं, ये सब लोगों की जो डिमांड अगर हो जाए, उनको जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड हो जाएगा. तो इट कैन बी एक्सप्लेन इन दिस इक्वेशन, dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px. तो ये मतलब डिमांड ऑफ कमोडिटी x डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ x. यहाँ पर dx स्टैंड फॉर डिमांड फॉर कमोडिटी x. f इज अ फंक्शन और डिपेंड्स ऑन, फंक्शन भी क्या कहते हैं, ये डिपेंड्स ऑन. एंड px इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी x. ओके, इन अदर वर्ड्स डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस. मतलब डिमांड डिपेंड अपॉन प्राइस. अदर थिंग्स सच एज इनकम, हैबिट्स, फैशन, टेस्ट एटसेट्रा रिमेनिंग द सेम. बाकी चीजें ये सेम है, कॉन्स्टेंट है. दिस रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड हैज बीन टर्म्ड एज द लॉ ऑफ डिमांड. ये जो रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. सो जो हम जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो हम प्राइस और डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो की जाती है उसके रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, प्राइस एंड डिमांड. ओके, द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड हैज बीन टर्म्ड एज द लॉ ऑफ डिमांड. प्राइस डिमांड की बात हुई, ना कि इनकम और क्रॉस डिमांड की हम बात कर रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं. जो क्वांटिटी ऑफ एक्स, अगर एक्स है वाई, तो प्राइस और डिमांड के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशनशिप है वही हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमांड. अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन शॉर्टकट जल्दी से हम इसको देख लेते हैं. इनकम डिमांड, इनकम डिमांड क्या है, डिमांड डिपेंड करता है इनकम के ऊपर. ओके, कंज्यूमर का इनकम के ऊपर, कंज्यूमर का इनकम ज्यादा होगा डिमांड ज्यादा होगी, कंज्यूमर का इनकम कम होगा डिमांड कम होगी, दैट्स ऑल. क्रॉस डिमांड क्या है, सो रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स जो है कौन कौन, उसके सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है. तो रिलेटेड गुड्स डिमांड डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स को यहाँ दिखाया गया है, रिलेटेड गुड्स आर टू टाइप, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल. तो इस शॉर्टकट में देखिए, ये हमारे दोनों सिलेबस में नहीं है. इसके अलावा जो आपको समझना जानना ज्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि इसकी जरूरत हमको बहुत सारी जगहों पर इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ते समय आएगी, इसलिए इसको जान लेते हैं. सम अदर काइंड्स ऑफ डिमांड, डिराइव्ड डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड. अब एक इसको देखते हैं. व्हेन डिमांड फॉर अ कम्युनिटी और फैक्टर डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ अदर कम्युनिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड. फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऑफ लेबर, ओके, फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस इज डिराइव्ड डिमांड एज इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर द हाउस. डिराइव्ड डिमांड वो होता है जब हम डायरेक्ट डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो हम किसी और वजह से डिमांड करते हैं. जैसे हाउस की जो डिमांड हम करते हैं, लेकिन हाउस को बनाने वाला कौन है, लेबर, इसलिए हम लेबर की डिमांड करते हैं. तो ये हमारा डिराइव्ड डिमांड होगा, क्योंकि लेबर की डिमांड एज सच नहीं होती है. हम डिमांड किसकी कर रहे हैं, हम हाउस की करना चाहते हैं, हम हाउस खरीदना चाहते हैं, हाउस बनाना चाहते हैं. हाउस को बनाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है, वो है लेबर की जरूरत, इसलिए हम लेबर की डिमांड करते हैं. तो यहां पर लेबर क्या हो गया, डिराइव डिमांड. नाउ डायरेक्ट डिमांड, व्हेन कम्युनिटी इज डिमांडेड फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, डिमांड ऑफ दिस कम्युनिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर हाउस, इन द अबव एग्जाम्पल डिमांड फॉर फूड फर्नीचर एटसेट्रा आर डायरेक्ट डिमांड. तो हाउस की डिमांड, फूड की डिमांड, फर्नीचर की डिमांड, ये सब डायरेक्ट डिमांड है, क्योंकि हमको सेटिस्फाई करते हैं. ओके, नाउ ज्वाइंट डिमांड,
व्हेन टू और मोर देन टू गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स डिमांड ऑफ दीज गुड्स इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऑफ मिल्क मिल्क पाउडर शुगर क्रीम फ्लेवर्स एटसेट्रा टू प्रोड्यूस आइसक्रीम इज अ जॉइंट डिमांड हम कह सकते हैं कि फॉर आइसक्रीम डिमांड ऑफ मिल्क ओके मिल्क पाउडर शुगर क्रीम फ्लेवर्स आर जॉइंट डिमांड ओके आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर कंपोजिट डिमांड डिमांड ऑफ सच कम्युनिटी विच कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड जैसे एग्जाम्पल लेते हैं डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज कंपोजिट डिमांड एज इट कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस सच एज लाइटिंग कुकिंग रनिंग टीवी माइक्रोवेव्स सो ये सारे चीजों के लिए एक साथ इसकी जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की इसलिए ऐसे केस में क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या हो जाएगी कंपोजिट डिमांड हो जाएगी क्योंकि डिमांड ऑफ सच कम्युनिटी विच कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड जस्ट टू अवॉइड दैट आई एम जस्ट वाइंडिंग अप सो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस और इन दिस सेक्शन वी कम टू नो अबाउट द डिमांड डिमांड और डिजायर वांट और डिमांड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं इसके बाद डिमांड को हम कैसे डिफाइन करते हैं डिमांड के क्या कंपोनेंट है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कितने प्रकार के डिमांड होते हैं जिसमें हमने देखा प्राइस डिमांड इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड प्राइस डिमांड इज ओनली इन आवर सिलेबस इनकम और क्रॉस नहीं है फिर भी हमने देखा प्राइस डिमांड इनकम और क्रॉस डिमांड को भी हमने पढ़ा प्राइस डिमांड क्या होता है ये क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं ओके इसके बाद हमने कुछ और प्रकार के डिमांड को देखा जिसमें डिराइव डिमांड डायरेक्ट डिमांड ज्वाइंट डिमांड और कंपोजिट डिमांड डिराइव डिमांड का एग्जाम्पल हमने दिया कि हाउस का जो डिमांड है वो हम हाउस का डिमांड हम करते हैं लेकिन उसकी वजह से हमको लेबर की जरूरत होती है तो लेबर क्या होगा यहाँ पर डिराइव डिमांड होगा डायरेक्ट डिमांड क्या हो गया डिमांड ऑफ हाउस फूड फर्नीचर ये सब डायरेक्ट डिमांड के एग्जाम्पल होंगे ज्वाइंट डिमांड जब हम कोई चीज को एक साथ यूज करते हैं उस केस में हम ज्वाइंट डिमांड करते हैं जैसे हमको आइसक्रीम प्रोडक्शन करना है तो मिल्क पाउडर शुगर क्रीम फ्लेवर्स ये सब हमारे ज्वाइंट डिमांड के एग्जाम्पल हो जाते हैं कंपोजिट डिमांड हमारा जब एक चीज के कई अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं तो उस केस में कंपोजिट डिमांड होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हम बहुत सारे कामों के लिए करते हैं कुकिंग रनिंग टीवी माइक्रोवेव्स एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए तो ये हमारा कंपोजिट डिमांड है आई होप दैट इट्स क्लियर आफ्टर कैप्चुरेशन इट्स मोर क्लियर थैंक यू